पटवारी संघ के प्रदेश आह्वान के बाद दमोह जिले का पटवारी संघ भी अब हड़ताल पर है। बीते कुछ दिनों से हड़ताल यह जारी थी, जहां एक धड़ा पटवारी संघ का हड़ताल पर था, वहीं अब दूसरा धड़ा भी इस में शामिल हो गया है। हालांकि पटवारी संघ किसी भी तरह के धड़े की बात को स्वीकार तो नहीं करते, लेकिन सभी जानते हैं कि पटवारी संघ में भी गुटों का बंटवारा हो चुका था। ऐसे में एक गुट के द्वारा यह हड़ताल की जा रही थी, वहीं दूसरा गुट भी अब हड़ताल पर आ गया है और हड़ताल पर आने के बाद अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के मांग कर रहा है। हम सब एक हैं, पटवारी संघ जिंदाबाद, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मांगों को लेकर के आप लोग मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगे रखी गई हैं और विगत 10 अगस्त से हड़ताल हमारे लोगों की निरंतर जारी है, अनिश्चितकालीन है, कलमबंद रखी गई है। और मूलतः जो है 2800 ग्रेड पे के संबंध में है, जिससे मुख्यमंत्री के संबंध में मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की 10-12 वर्षों से बात चल रही है और निरंतर आश्वासन नहीं मिल रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। एक मूल वेतन की है, दूसरी हमारे CPCT के एग्ज़ाम होता है उसमें अनिवार्यता रखी गई है, वो हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए। और तीसरी बात है जो गृह जिले में पटवारियों के स्थानांतरण किए जाए। अब मान लो इंदौर का भाई हमारा दमोह में है, दमोह का भाई सीधी में है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो अपने अपने गृह जिलों में सबकी पोस्टिंग की जाए और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल वापस नहीं लेंगे। अभी 2 संगठन बन गए थे, अब क्या एक संगठन? नहीं, संगठन तो एक ही है भैया, लग रहा है वो भीड़ की अधिकता के कारण दो टेंट लग गए हैं। संगठन तो एक ही है, मध्य प्रदेश पटवारी संगठन है, एक ही संघ है। हम समस्त पटवारी गण, खासकर से जो 2017 में परीक्षा हुई थी उसमें चयनित होकर जो पटवारी गण आए थे, उनके लिए इससे इस हड़ताल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अभी हम लोगों का वर्तमान ग्रेड पे 2100 है और सैलरी कम मिलती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा ग्रेड पे 2800 हो जाए, 2800 होने से हमारी सैलरी ठीक ठाक हो जाएगी। और दूसरी जो मांग है वो CPCT की अनिवार्यता है, वो हम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था उसमें CPCT पास करके देना थी 2 साल में, तो बहुत सारे लोगों की परीक्षा हुई है तो पास हो गए हैं। चूँकि 2 साल से कोरोना काल के कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही थी, इसलिए परीक्षा में अपीयर नहीं हुए तो पास कहां से करेंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि या तो हमारी CPCT की जो अनिवार्यता है वो ख़त्म करा दी जाए, या फिर विभागीय तौर पर या कुछ ऐसा करके कुछ किया जाए कि हमारा एग्ज़ाम होता हम उसमें अपीयर करके उसको ख़त्म कर सकें। और तीसरी जो मांग है वो है गृह जिले में स्थानांतरण, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में इस बार सिलेक्शन हुए हैं, करीब 9000 के करीब, तो सभी लोगों को अपना गृह जिला नहीं मिल पाया है। कई सारे लोग जो 400-500 किलोमीटर दूर के ज़िले में रह के नौकरी कर रहे हैं, उनको कोरोना काल में जब घर जाना पड़ा तो 10,000 रुपये प्राइवेट वाहन करके जाना पड़ा। अभी भी अगर जाते हैं तो आने जाने का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और घर में मान लो कोई बीमार है तो जल्दी समय से नहीं पहुँच पाते। तो हम लोग ये चाहते हैं कि गृह जिला या कम से कम नज़दीक का जिला मिल जाए, तो ये हम लोगों की 3 सूत्रीय मांगे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग है हमारी तनख्वाह को लेकर, जो कि 2800 ग्रेड पे है। अगर वो मांग पूरी हो जाती है तो आर्थिक लाभ हम लोगों को सबसे ज़्यादा मिलेगा, जिनका सिलेक्शन नया हुआ है 2017। क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? इसके पहले भी कई लोग, इसके पहले 2016 में भी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हड़ताल की गई थी और उसमें 2400 ग्रेड पे देने के लिए सरकार राजी हो गई थी, लेकिन उस समय 2400 ग्रेड पे लेने के लिए पटवारी संघ राजी नहीं हुआ था। इस बार फिर से वही लड़ाई है कि हमको 2800 ग्रेड पे चाहिए है। अगर 2800 ग्रेड पे नहीं देते हैं तो एक और उनकी तरफ से कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं, 2400 ग्रेड पे के साथ जो भी चल रहा है अभी उसकी जानकारी आएगी तो आप लोगों तक पहुँचेगी। तो अगर पुराना जो ग्रेड 2400 देने वाले थे उससे ज़्यादा कुछ मिलता है तो शायद पटवारी संघ और सरकार के बीच में सामंजस्य बन जाए। क्या नाम है? ब्रजेश है। पर है क्या पता है? हम लोग की मांगे तो मैंने दे, हम लोग का 2800 ग्रेड पे पहले नए लोगों की जो CPCT है उनको ख़त्म किया जाए, दूसरा जो नवीन पटवारी लोग साथी भर्ती हुए हैं उनको गृह जिले स्थानांतरण किया जाए, यही हमारी मांगे हैं। 2800 की तो बहुत पुरानी मांग है,
इसलिए हम लोग सभी हड़ताल पर, प्रांत के आह्वान पर। कब तक रहेंगे? कब तक? जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, जब तक हम लोग उसके हड़ताल पर हैं। और मैं तखत सिंह, तहसील अध्यक्ष दमोह। मांग है क्यों हड़ताल पर? सर, हम लोग की तीन मांगे हैं। वो प्रांतीय लेवल पर जो हड़ताल चल रही है, उस सब में दमोह जिले के पटवारी भी सम्मिलित हैं। 2800 पे ग्रेड चाहिए, और CPTC जो इनका वो है परीक्षा, वो विभागीय परीक्षा ना हो इनकी, और अपने गृह ज़िले में स्थानांतरण के किए जाएं। ये तीन मांगे हैं, उनके प्रति हम लोग शासन से लड़ रहे हैं। पूरे ज़िले के हैं, पूरे प्रदेश के कितने पटवारी हड़ताल पर? प्रदेश के 19,000 पटवारी हड़ताल पर हैं, और समस्त ज़िले हड़ताल पर हैं। क्या नाम लिखते हैं? सर, दीपक श्रीवास्तव। उत्तरी मांगे हैं, कौन कौन सी मांगे हैं, क्या कुछ आप? सबसे पहले 2800 पे ग्रेड पटवारी संघ की प्रथम मांग। दूसरी मांग है गृह जिला का स्थानांतरण, और तीसरी CPTC खत्म की जाए। ये तीन मांगे हैं जो प्रांतीय आह्वान पे हम लोग हड़ताल पर हैं। जब तक हमारी मांगे शासन नहीं मानता, तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल कलमबंद हम लोगों की जारी रहेगी। पटवारियों के दो संगठन थे, क्या अब एक हो गए हैं क्या? नहीं, सब एक ही संगठन है, दो कभी नहीं थे। कुछ साथी मतलब विचलित हो गए थे, क्योंकि अब सब एक है, संगठन एक ही है हमारा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी एक ही संगठन है, दो संगठन नहीं। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी, और नहीं मानेगी तो अच्छा करें? नहीं, अब सरकार तो मानेगी बात, नहीं मानेगी तो फिर हम लोग तो लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। किस तरह से काम बंद है आप लोग? कलम बंद, सारे काम बंद कर दिए, और कल से समस्त मान ले हम लोग ID भी बंद करा रहे, जिससे और भी काम टोटल बंद हो सकें। कुल कितने पटवारी हड़ताल पर? कुल अभी दमोह जिले के तो पूरे पटवारी हड़ताल पे हैं।